Welcome to Vikas Kitchen Recipe. This is Ayurveda Karma Center Instructor Vasim and I will show you how to make each special shir korma. Let's start the process. Subscribe to our channel for more videos. And press the bell icon for further updates from Vikas Kitchen Recipes. Shir korma banane ke liye 2 liter gaadha doodh le aur ise pakaye taaki ye 2 liter se 1.5 liter ho jaye. थोड़े सूखे खजूर ले और इनको एक घंटा पानी में भिगो कर इनको बीज निकाल कर कट कर लें। एक पैन में आधा कप घी डालें और इनको इसमें फ्राई कर लें। आधा कप बादाम को भिगो कर इसके पीसेस कर लें और इनको भी फ्राई कर लें। आधा कप काजू को भिगा लें और इनके पीसेस कर कर इनको भी फ्राई कर लें। आधा कप भिगा हुआ पिस्ता लें और इनके भी पीसेस कर कर इसको भी फ्राई करें। 2 टेबलस्पून भीगी हुई चिरौंजी ले और इनका छिलका उतार कर इनको भी फ्राई कर ले। 1 हो जाने के बाद इन्हें निकाल लें। एक कप सेवियां ले, इसको क्रश कर कर घी में डालें और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तल लें। सेवियों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। इसके गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें दूध डाल लें। इनको 5 मिनट तक पकाएं। सेवियों के गल जाने के बाद इसमें 150 ग्राम शक्कर डालें और इसको अच्छी तरह पकाएं। शक्कर के घुल जाने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लें। इनको 5 मिनट पका लें। ईच स्पेशल शीर खोरमा बनकर तैयार है। Thank you for watching this video. If you love this video, leave a like, comment down and share this video. And don't forget to subscribe our channel, VKS Kitchen Recipes.